करीब 70 साल बाद निष्क्रिय किया गया दूसरे विश्व युद्ध का बम। जर्मनी के म्यूनिक में लगभग 250 किलो के बम को कल रात डिफ्यूज किया गया। म्यूनिक में कुछ इस तरह निष्क्रिय किया गया दूसरे विश्व युद्ध का बम। एक भीषण विस्फोट हुआ और देर तक धुएं का गुब्बार उठा। ये बम करीब 250 किलो वजन का था। बम को निष्क्रिय करने के दौरान आसपास की कुछ इमारतों में आग लग गई। इन इमारतों से करीब 3000 लोगों को सोमवार को ही हटा लिया गया था, जब जर्मनी के शॉबिंग में ये बम मिला था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों के विमानों ने हिटलर के राज वाले जर्मनी पर भारी मात्रा में बम बरसाए थे, जिसमें से कई जीवित बम जर्मनी में अभी भी मिल रहे हैं।